रघुबर उर जय माल देख देव बर सही सकुचे सकल भुवाल जन मिलो रवि। बाबा ने क्या दिव्य उदाहरण दिया। और ये जयमाल कंठ में आते ही गले में आते ही पुरी यदु व्योम बाजने बाजे पुरी यदु व्योम बाजने बाजे हर भय मलिन साधु सब राजे हर भय मलिन साधु सब राजे आते गावे फिर बबूती आते गावे फिर बबूती आलो मार खुशमान जल चूती आलो मार खुशमान जल चूती जाता भी प्रवेद तुम करही जाता भी प्रवेद तुम करही कथा का बहुत विस्तार है। सुनैना माँ के पास सखियां लेकर चली हैं। राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और अब लीला कथा आगे बढ़ी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल पतंग गौर शरीर भूति भल राजाल विशाल त्रिपुंड विराज। भगवान परशुराम का आगमन हुआ है। भगवान परशुराम तो आवेशावतार हैं भगवान के। बड़ी मधुर चर्चा हुई है राम प्रभु और परशुराम प्रभु की। एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार बोलिए बोलिए परशुराम भगवान की। पूर्णावतार की उपस्थिति हो जाने पर आवेशावतार पूर्णावतार में प्रवेश कर गया भगवान विष्णु का जगह प्रदान करके और जय जयकार पूर्वक भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत की ओर विदा लिए हैं। इधर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी से मिथिलापति ने पूछा प्रभु धनुष के टूटते व्याह का एक पक्ष तो पूर्ण हुआ आगे क्या आदेश है। उन्होंने कहा महाराज मर्यादा ये कहती है आप दूत के द्वारा एक पत्रिका बनवाकर अयोध्या भेजें और महाराज अपने गुरु जी के सानिध्य में बरात लेकर आवें और धूमधाम से मिथिला में विवाह संपन्न हो। देखो व्याह आदि उत्सव ना धूमधाम पूर्वक ही करना चाहिए। आजकल तो विवाह कचहरी में बहुत होने लगे। विवाह मंदिर में होने लगे ये सब अमान्य विवाह है। अभी मैं कल कह रहा था तारकेश्वर बाबू से जरा आठों विवाह सुनाइए तो उसमें दो विवाह तो करने योग्य है से सभी विवाह निंदित है कोई अर्थ नहीं होता। अब ठीक है कलिकाल है सब जात कुजात भय मंगता जिसको जो मन करे सो करे परंतु ब्रह्म विवाह और देव विवाह वस्तुतः इसी की सहज मान्यता है। चाहते तो विश्वामित्र जी को अधिकार है मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ तुम मुन पिता आन नहीं को। पिता का अधिकार है चाहे जो कर ले लेकर जाए बहुत तो चक्रवर्ती जी को झगड़ा थोड़ी कर ले कह दिए हैं तुम मुन पिता आन नहीं को। तो कथा अभी 20 मिनट की और है आप शांतिपूर्वक विराजमान करें। आपकी बड़ी कृपा है कि आप सुन रहे हैं आप आ ही रहे हैं यही कम कृपा है।
घर से चलकर कथा में उपस्थित होना ये कथावाचक पर कृपा है, कथा भगवान पर भी आप सबकी बड़ी कृपा है। सुन रहे हैं, कलयुग में भगवान की कथा भगवान के श्री चरण की कृपा प्रदान करती है। तो दूत अयोध्या गए, महाराज ने संदेश पाया, गुरुदेव भगवान के चरणों में संदेश रखा गया, गुरु जी ने प्रशंसा किया, राजन जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती है उसी प्रकार आपके जीवन में सब कुछ रिद्धि सिद्धि बन के उपस्थित है। जिम सरिता सागर महु जाहि, जद्यपिता हि काम नाना हि, तिम सुख संपत्ति में नहीं बोला, धर्मशील आप गुरु ब्राह्मण और साधु जनों के सेवक हैं, सेवा करते हैं, उसी प्रकार आपकी देवियां हैं। राजन आप जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे आपके योग्य पुत्र हैं। अरे वाह, जीवन में संतान की प्रशंसा पिता के जीवन को और आनंद प्रदान करती है साहब, क्या बात है, अद्भुत। तो गदगद हो गए, दूत को न्यौछावरी देने लगे, दूत न्यौछारी कही नहीं दीते, मुद ही काना, धर्म विचार समय सुख माना, दूत लोग विदा लिए और यहाँ साज सदा दी गई अयोध्या जी में और बारात चलने की रचना बन गई। अरे हे सुहावन लागे, माताएं देवियों का पूजन करती हैं, देवताओं का पूजन करती हैं, पितरों की सेवा करती हैं, सब प्रकार आनंद हुआ है और आनंद कितना वो कहने में नहीं आता है। क्या लिखा बाबा ने, अद्भुत। आगे आइए, बाबा ने क्या लिखा है, आगे आइए। अवध नगरिया से चलली बरी यतिया है, जनक नगरिया भैया सो सुहावन, परीक्षण को चलली
جانی بھانو کل کے تو سریتن جنت بندھائے سے تو چار دن میں جتنی ندیاں تھی ویاس جی سب پر پل بن گئے تھے کہتے ہیں آج کی انجینئرنگ بہت اچھی ہے ایک انجینئر لوگ پل بناتے ہیں لکھ دیتے ہیں پل کمزور ہے کرپیا دھیمے چلیں بہار جھارکھنڈ کتھا کرنے گئے تھے تو پل کے اہ پار تین پلر اوہ پار تین پلر ایک سال ادگھاٹن ہوئے اس کا ہوا تھا تو میں روک کے پوچھا آپ بھی تھے یہ کیوں لگا ہے یہ سب بولے یہ کبھی بھی گر سکتا ہے حد ہے بھائی دیکھیے دیس کے ساتھ بھلے کچھ کریے کم سے کم پرجا کے ساتھ بھیا جہاں تک سنائی پڑے پرجا کے ساتھ نہ کریے دیکھو بچوں انجینئر بننا تو دال میں نمک بھلے کھانا نمکے نہ کھا جانا بڑی سمسیا ہے صاحب کیا وکاس کوئی کرے گا کیا کہے گا ہر استر پر سیتارامی ہے ہر استر پر نامو بڑا اچھا ہے کمی شن کیا کہتے ہیں کمی شن ایک کروڑ میں ساٹھ ستر لاکھ تو کمی شن ہے چالیس میں کام کیسے ہوگا